तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम केजरीवाल की तरफ से भी अपने मत का इस्तेमाल किया गया। ये उस दौरान की तस्वीरें जब उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों के लिए 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। दिग्गज भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी उंगली पर मतदान का वो निशान दिखाते हुए उन्होंने पुख्ता किया कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर दिखना शुरू हो गई है और दिग्गज भी इस दौड़ में खासा जो उत्साहित है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान की जब देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से मतदान से पहले पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सीएम केजरीवाल ने वोट डाला। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस के एक मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले जो पूजा अर्चना भी यहां पर की गई है तो इस बार भी सीएम केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में। ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो दिग्गज भी बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको बता दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल किया गया, वोट यहां पर किया गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर लाइव जहां पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए मनीष सिसोदिया इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मतदान करने के बाद वो वहां मौजूद लोगों से मिलते हुए मुस्कुराते हुए। दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, लोगों को अपनी उंगली पर वोट का निशान दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम दिग्गज भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस के मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल किया। इस बार भी सीएम केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में है और उनके खिलाफ बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस की अगर बात करें तो रोमेश सबरवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें उन दिग्गजों की जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने मत का इस्तेमाल किया, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की और अब ये दो तस्वीरें आपको एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर। यार जगह दो ना भाई साहब, जल्दी लीजिए, आराम से लीजिए, आराम से लीजिए, जल्दी से आप आराम से। तो दिल्ली का रण इस वक्त आखिरी में जनता के हाथ है। अब जनता ये तय करेगी कि आखिर दिल्ली किसकी होगी, किसके सिर पर ताज सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदाताओं में एक्साइटमेंट नजर आ रहा है तो दिग्गज भी बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मत का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद लोगों को अपनी उंगली पर वो चिन्ह जो मतदान के बाद लगाया जाता है पुख्ता हो जाता है कि इन्होंने अपना मतदान कर दिया है। तो आपको बता दें कि 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और लंबी लंबी कतारें जो है वो पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही है। तो अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ सिविल लाइंस के एक मतदान केंद्र पर मैंने परिवार के साथ वोटिंग यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। तो इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में है। लोकतंत्र के तहत बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आया हूं और मैं दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आया हूं। सर आपको क्या लगता है? सर जनता इस बार अच्छी शिक्षा के लिए वोट दे रही है, 24 घंटे बिजली के लिए वोट दे रही है, काम के लिए वोट दे रही है, शिक्षित राष्ट्र के लिए वोट दे रही है। जिन लोगों ने शाहीनबाग का मुद्दा उठाया, 24 घंटे मीडिया ने चलाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले मीडिया कर्मी भी और इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी वाले भी जब वोट डालने गए तो उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिखाई दिए और उन्होंने कहा यार वोट तो स्कूल पे दे देते हैं, मुद्दे अपनी जगह। अच्छा मनीष जी, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ेगा एक टारगेट रखा गया है, क्या लग रहा है आपको वोटर का रुझान देख के? वोटर का रुझान सुबह से बहुत अच्छा है। वोटिंग मेरे घर के सामने एक वोटिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने देखा कि वोटिंग
शुरू होने से पहले 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी और 7:30 बजे से ही वहाँ 150-200 लोग लाइन में लगे हुए थे एंट्री करने के लिए। तो मतदाता अपने वोट के जरिए स्कूलों को आगे ठीक करना चाहता है, अस्पतालों को आगे ठीक करना चाहता है, बिजली पानी को आगे ठीक करना चाहता है। तो मतदाता अभी घर से निकल रहा है। वोटर से क्या अपील है सर? वोटर से भी अपील है कि जब वोट डालने जाएं तो अपने बच्चों की तरफ देख के जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं इनके भविष्य के लिए बटन दबाने जा रहा हूं। शुक्रिया। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ तौर पर कहा कि संविधान के तहत मैं अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचा और इस बार जनता अच्छी शिक्षा 24 घंटे जैसे मुद्दे बिजली के मुद्दे पर वोट दे रही है। देखिए फैसला तो दिल्ली की जनता ने 15 के बाद 17 में भी सुनाया, 19 में भी सुनाया और लगातार उसने अपना संकेत दिया, लेकिन आज सचमुच में दिल्ली को एक ऐसा अपना भविष्य चुनने का दिन है जिसमें हिंसा न हो, जलती हुई बसें ना हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प बन के आई है। नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दिन है और दिल्ली अपने भाग्य का फैसला करेगी। साहब मैंने अपने परिवार के साथ जाके वोट दिया और दिल्ली के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने मत के अधिकार का, वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब लोग वोट डालने जाएं, ज़रूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन वोट डालने ज़रूर जाएं। और ख़ासकर मैं महिला वोटरों से अपील करना चाहूँगा। हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाएं कई बार घर में रह जाती हैं और वोट डालने नहीं जाती। मैं महिला वोटरों से खासकर अपील करने के लिए जाऊंगा कि सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं।